लेकिन जितना काम किया गया बिहार का और बिहार को आगे बढ़ाने का हम सब लोगों ने प्रयास किया है। कहां बिहार की स्थिति अपराध के मामले में कितना बुरा हाल था पहले, जब लोगों को 15 साल मिला था मौका, हम लोगों को जब मिला 15वां साल चल रहा और हम लोगों ने जो उसमें सुधार किया, आप जान लीजिए अब अपराध के मामले में इतनी बड़ी आबादी और इतना बड़ा राज्य, अब बिहार 23वें नंबर पर नीचे चला गया है अपराध के मामले में। और आमदनी कितनी बिहार की बढ़ी है, 2005-06 में पूरे बिहार का औसत आमदनी जो था वो बहुत कम, आप जान लीजिए 76,466 करोड़ पूरे बिहार का। और अब समझ लीजिए जब से काम करने का मौका मिला, हम लोगों ने सेवा किया और वो बढ़ता गया 12.5% के दर से प्रति वर्ष राज्य के आमदनी में वृद्धि होती है और अब ये बढ़कर के हो गया है 4,14,977 करोड़ रुपया, यानी वार्षिक वृद्धि दर 12.84%। और आबादी तो हमारी बढ़ती है, प्रजनन दर बहुत है, प्रति व्यक्ति आय में भी 10.5% की वृद्धि। अब आप बताइए किन किन चीजों की हम चर्चा करें, समय की कमी है। सब लोगों ने संक्षेप में बहुत सारी बातों का जिक्र कर दिया, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन जितना काम किया गया बिहार का और बिहार को आगे बढ़ाने का हम सब लोगों ने प्रयास किया है और राज्य सरकार मेहनत कर रही है और केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के सहयोग से राज्यों को मदद मिल रही है और अपने राज्य को भी मदद मिल रही है। कितना विकास का दर बढ़ता चला जा रहा, हमने इसका जिक्र कर दिया आपको, और हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। बिहार की जो हैसियत है राज्य में करते हैं और केंद्र का भी सहयोग मिलता है, तो इस प्रकार से बिहार तरक्की के रास्ते पर है। और एक बात आपको बता दें कि पहला 5 साल में जितना किया हम लोगों ने, उससे आगे दूसरा बार किया, उससे आगे तीसरा बार कर रहे हैं, और अब कौन कौन काम करा दिया इस बार आप बताइए। हम लोगों ने क्या तय कर दिया, हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जिला में पैरामेडिकल संस्थान, हर जिला में पॉलिटेक्निक संस्थान, हर जिला में महिला ITI, हर जिला में GNM संस्थान, हर अनुमंडल में ANM संस्थान, हर अनुमंडल में ITI, और ये स्थापना पढ़ाई शुरू करा दिया। बहुत जगहों पर नए भवनों का भी निर्माण हो गया और वो काम तेजी से जारी है।